सलाम दोस्तों, 13.4 वर्जन का जेलब्रेक बहुत ही आसान है। ये एप्लीकेशन को रन करेंगे और जब ये रन हो जाएगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, चिकरा जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है और मेरे डेस्कटॉप पर पड़ा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और फिर आपको अपने कंप्यूटर में USB डालना है, कम से कम 2 GB का होना चाहिए। तो फिर जब आप USB लगाओगे तो आपको यहाँ वो USB का नाम आ जाएगा। फिर आप सेलेक्ट इमेज और ये देखिए, ये मेरे डेस्कटॉप में ये पड़ा है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले ही से। तो मैंने इसको ओपन किया और फिर आपको सिर्फ फ्लैश करना है। तो अभी ये मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तो लगेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। अभी ये बूट USB बूट होने वाला है तो आपको मैक विंडो की ज़रूरत ही नहीं, आप कोई भी विंडो हो, XP, विंडो 7, विंडो 10, कोई भी विंडो आप जेलब्रेक कर सकते हैं। और 13.4 न्यू वर्जन जो है वो भी आप जेलब्रेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर तो अब ये कंप्लीट होने वाला है और फिर हम इसके बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे और फिर USB से बूट करेंगे। तो ये अभी देखो कंप्लीट होने वाला है। अभी मैं अपना आईफोन एक्स इससे जेलब्रेक करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। देखो ये हो गया। अभी ये कह रहा है कि परमिट को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और इसको क्लोज करो और ये हो गया, इस भी डन हो गया। अभी हम इसको रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को और आप लोगों को फिर मैं अपना मोबाइल जेलब्रेक करते हुए दिखाऊंगा। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ भूल गया, जब
यूएसबी कंप्यूट हो जाए तो फिर आपको ये ट्रांसमैक डाउनलोड करना है। नीचे लिंक में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर इसको ओपन करें और यूएसबी को सेलेक्ट करें और ये डू यू वांट टू स्टार्ट ट्रांसमैक एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। फिर आपको 5 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर 13.4 वर्जन जेल ब्रेक नहीं हो सकेगा। तो फिर ये चिकरा पर क्लिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर चिकरा 1 एप्लीकेशन पर करेंगे, फिर कांटेक्ट, ये कांटेक्ट डिलीट करना पड़ेगा, यस। और चिकरा 10.0 को आप यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर बस, और फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। बूट करने वाला वो अभी एंटर करके, ये अभी बूट होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी मसला हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एप्पल के लोगों पर जाने वाला है, अभी इस थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे, फिर हो जाएगा। अगर यहाँ इस जगह कोई किसी की कंप्यूटर में मसला हो तो मुझे ज़रूर बताएगा, या अक्सर स्टक हो जाता है तो वो मसला भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, देखो अभी चला गया, अभी अब नीचे यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर यूटिलिटीज़ में जाएंगे और टर्मिनल को क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे RA1NUSB और फिर एंटर करेंगे।